Hello, children. Study textbook. Today we are going to practice its exercise questions. So let's begin with the question answers. Question number 1. What are the things that Munna liked to do? Do you remember the younger brother Munna? Name the things that Munna liked to do. Answer: Munna liked to draw and walk in the green fields. He also liked to play games like marbles, fly paper kites, touch and go, kabaddi, etc. Question number 2. What did Bhaiya do all day? Bhaiya pura din kya karte the? Answer: Bhaiya read books, write words and sentences several times and practice handwriting all day. Bhaiya kya karte the pura din? Bhaiya books padhte the, words aur sentences ko bar bar likhte the, poems ko sundar handwriting mein likhte the. Question number 3. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? फिर मुन्ना हमेशा खेलता रहता था, तो भैया ने उसकी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया, लेकिन वो टाइम टेबल मुन्ना को पसंद नहीं आया था. क्यों? आंसर: मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल. क्योंकि उस टाइम टेबल में भैया ने प्लेइंग का कोई टाइम नहीं दिया था, मतलब खेलने का. That is why Munna was not happy. Question number 4. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? आप बताओ कि Munna को कैसा लगता था जब भैया उसके साथ बहुत ज़्यादा strict होते थे, और भैया strict क्यों होते थे? Answer: Munna felt like running away and going back home when his brother was so strict with him. Bhaiya was strict with him because Munna did not study much and wasted his time in playing outside with his friends. कि मुन्ना को घर जाने जैसा फील होता था कि वो घर भाग जाए, क्योंकि उसके भैया बहुत स्ट्रिक्ट होते थे. और भैया स्ट्रिक्ट क्यों होते थे? क्योंकि मुन्ना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था और अपना टाइम वेस्ट करता था फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में और खेलने में. Question number 5. Whose character do you like more? Munna's or Bhaiya's? Why? अब ये आंसर आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं. इसमें पूछा गया है कि दोनों कैरेक्टर में आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, मुन्ना का या भैया का, और उसका रीज़न भी आपको बताना है. This is my answer. I liked भैया's character the most because he was more experienced, hardworking and concerned about his parents and younger brother. मुझे भैया का कैरेक्टर ज़्यादा क्यों पसंद आया? क्योंकि भैया को एक्सपीरियंस ज़्यादा था, वो hardworking मतलब बहुत मेहनती थे, और वो अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखते थे और अपने पेरेंट्स की भी उन्हें चिंता होती थी. Now our next exercise is informal letter. Informal letter हम किसको लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स या फैमिली को लिखते हैं अपने पर्सनल काम के लिए. तो यहाँ एक इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ है. इस लेटर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. जैसे देखिए, सबसे पहले इस लेटर में एड्रेस लिखा हुआ है, राइटर्स एड्रेस, कि सबसे पहले जो लिख रहा है लेटर वो अपना एड्रेस लिखेगा. नाउ राइटर्स लेटर इज कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता. देन डेट, जिस डेट में लेटर लिखा गया है फिर वो डेट लिखी जाती है. देन ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको आप क्या बुलाओगे. तो जो ये लेटर लिख रहा है वो अपनी मदर को लिख रहा है, तो ग्रीटिंग इज माई डियर माँ. आप यहाँ किसी का नाम भी लिख सकते हो, अगर अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मदर फादर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम.
नाउ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अब ये लेटर की बॉडी आती है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है. दिस इज़ माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. तो इंट्रोडक्शन में बताया कि ये मेरा पहला लेटर है आपको, हमारी क्लासेस हॉस्टल में स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ. नाउ बॉडी, मतलब लेटर में मेन कंटेंट जो बीच में लिखा जाता है. वी हैव अ न्यू टीचर फॉर द क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी. शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले. वी देन पेंट देम, दे लुक सो रियल. वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन द ऑगस्ट. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आर टीचर. और बाद में फिर आप एंडिंग लिखते हो लेटर की. इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स. आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट. गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. तो लास्ट में ये एंडिंग होती है जब आप लेटर को कंक्लूड करते हो. डू राइट बैक सून. और क्लोजिंग में लिखा जाता है, जो भी ये लेटर लिख रहा है वो अपने बारे में लिखता है, अपना नाम लिखता है. योर लविंग सन. तो पहले उसने अपना रिलेशन बताया, उसने मदर को लिखा था तो ही इज़ सन, वो बेटा है. और उसके बाद उसने अपना नाम लिखा है. तो ये एक फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का, कि जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ग्रीटिंग यानी कि जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम, फिर लेटर, इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और एंडिंग. मेन इसके ये तीन पार्ट्स होते हैं. और लास्ट में क्लोजिंग आप लिखते हो. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. अब इस वाले इनफॉर्मल लेटर के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे. आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटन द लेटर. हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेटर. इट्स प्रताप. राइटर का नाम एंड में लिखा होता है लेटर के. क्वेश्चन नंबर 2, टू हूम हैज़ द लेटर बीन रिटन. ये लेटर उसने किसको लिखा है. ही हैज़ रिटन दिस टू हिज मदर. नंबर 3, वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर. जो राइटर है वो कहाँ से लिख रहा है लेटर. ही इज़ राइटिंग इट फ्रॉम हिज हॉस्टल. नंबर 4, What is the name of his hostel? उस हॉस्टल का नाम शुरू में लिखा होता है जब हमने एड्रेस देखा था राइटर का. तो क्या नाम है हॉस्टल का. कृष्णा बॉयज हॉस्टल. On which date was this letter written? डेट लिखी हुई थी एड्रेस के बिल्कुल बाद. डेट इज 10th July 2000. Now this is next exercise. You write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities or events in your school. अभी आपने एक फॉर्मेट देख लिया कि किस फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है. इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स और फैमिलीज. तो अब आपको खुद एक लेटर की प्रैक्टिस करनी है लिखने की. आपके किसी दूसरे सिटी में कोई रिलेटिव रहता है तो आप उनको एक लेटर लिखिए और उनको बताइए कि आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती. नेक्स्ट एक्सरसाइज, टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन. टू टीच का मतलब होता है कि किसी को समझाना या किसी को कोई चीज़ करके दिखाना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न. अब यहाँ इस बॉक्स में टीच और लर्न की अलग अलग फॉर्म्स दी हुई है तो इनको यूज़ करके आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. सेंटेंस 1, विल यू डैश मी चेस. तो यहाँ लर्न आएगा या टीच आएगा. विल यू टीच मी चेस. मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8 टीचेस. मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8. नंबर 3, द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी. स्टूडेंट्स हैव लर्नड
Number 4. My sister has dash me how to ride a horse. Taught. My sister has taught. मतलब मुझे सिखाया था. I have dash some of the customs in India. I have learned. मतलब मैंने सीख लिए हैं. Number 6. I dash how to cycle when I was just 4 years old. I learned how to cycle. So, this is how you complete these sentences by using correct form of teach and learn. Now, choose the correct word and complete the paragraph. आपको ये paragraph complete करना है और हर एक blank के बाद bracket में कुछ word दिए हैं उसमें से correct form use करना है. जैसे first है was and were. वॉज यूज होगा जब आप एक पर्सन की बात कर रहे हो और वेयर जब ज़्यादा लोगों की. तो ऑल दी क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल वेयर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस. दे वेयर, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, प्लूरल है तो हमने वेयर यूज़ किया है. दे वेयर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस. द बस अराइव और अराइव्ड. It will be arrived. And they leave या left for the stadium. यहाँ आएगा left. ये बेटा आपको देख के पता चल रहा होगा एक report writing है. किसी event के बारे में बताया जा रहा है जो हो चुका है. तो report writing हम हमेशा past tense में लिखते हैं. तब यहाँ पे arrive और arrived में से past tense वाला word है arrived. और leave और left में भी past tense है left. तो इसलिए हमने पास्ट टेंस यूज किया है. द रनर्स वेयर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट. द रनर्स टुक देयर पोजीशंस. सर ब्लू द विसल. अगेन इन ऑल दीज थ्री ब्लैंक्स वी हैव यूज्ड द पास्ट टेंस. वन स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रैन फास्ट and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. So here again we have used past tense of different words in these blanks. Read the following sentences. Bhaiya has been studying in same class for 2 years. So for is used for a period of time. कि एक time period दिखाने के लिए जब हम use करते हैं तो हम for का use करते हैं. Munna was flying kites since morning. From a time in the past till present. और हम since का कब use करते हैं? तब use करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ कब से हो रही है, कितने टाइम के लिए हो रही है, तब हम फॉर लिखते हैं. कि जैसे भैया सेम क्लास में 2 साल तक पढ़ते रहे, वो पूरा टाइम पीरियड बताना है तो फॉर यूज़ किया. और कोई चीज़ कब से हो रही है, जैसे मुन्ना सुबह से काइट्स फ्लाई कर रहा है, तो वो दिखाने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस. तो आपको सेंटेंसेस में पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है या ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़ कब से हो रही है. अगर एक टाइम पीरियड की बात हो रही है तो आप फॉर यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ कब से हो रही है ये बता रहे हैं तो आप सिंस यूज़ करेंगे. नंबर 1. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज अ बेबी. तो इसमें आएगा सिंस, कि मैं इस घर में तब से रह रहा हूँ जब से मैं एक बेबी था. दिस बिग जार हैज़ बीन इन आर फैमिली डैश मैनी ईयर्स. कि ये हमारी फैमिली में ये बिग जार बहुत साल से है, तो यहाँ पर फॉर. द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 200 ईयर्स. नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे. कि किसी ने उसे कल से नहीं देखा है. नाउ थैंक यू एंड प्रैक्टिस द एक्सरसाइज योरसेल्फ. Have a nice day.